डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों, जैसा कि आपने देखा था, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने विलयन के बारे में बहुत अलग अलग चीज़ों को पढ़ लिया हुआ है ना। जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको विलयन का डेफिनेशन, विलय का डेफिनेशन, विलायक का डेफिनेशन उनके उदाहरण के साथ आपको समझाए हुए थे। और कल की जो हमारी क्लास निकली थी, उस क्लास में मैंने आपको विलयन के एक प्रकार का तरीका डिफाइन किया था, जिसमें हमने द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और बहुअंगी विलयनों के संदर्भ में जानकारी ली थी। बच्चों, तो मैं बहुत कम समय लेकर आपको बता दूं कि घटक पदार्थ की संख्या के आधार पर मैंने आपको तीन प्रकार के विलयन बताए थे, जिनमें सबसे पहला विलयन मैंने बच्चों आपको बताया था द्विअंगी विलयन। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया है तो आपने समझा है कि द्विअंगी विलयन क्या होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था द्विअंगी का संधि विच्छेद करने से हमको जो पहला शब्द मिलता है उसका द्वि, उसका अर्थ होता है दो। अंगी, उसका शब्द, उसका अर्थ होता है अंग। यानी कि एक बच्चों ऐसा विलयन जो दो घटक पदार्थों से मिलकर बना हो, अर्थात जिसमें दो अंग हो, ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? द्विअंगी। उदाहरण के तौर पर आप शक्कर और जल का जली विलयन इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिअंगी विलयन, तो बच्चों ऐसा विलयन जो कम से कम तीन घटकों से मिलकर बना हो, ठीक है, जिसमें तीन अंग हो, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। शक्कर जल, ठीक है, शक्कर प्लस जल, इसके अलावा उसमें नींबू की कुछ बूंदे डाल दीजिए तो तीन घटकों का विलयन तैयार हो जाएगा। बहुअंगी विलयन, तो बच्चों ये एक ऐसा विलयन है जिसमें बहुत सारे अंग हैं, एक से तीन से ज्यादा अंग हैं, ठीक है, जैसे शक्कर जल, ठीक है, उसमें आपने गुलाब जल डाल दिया, कुछ मात्रा में नींबू की बूंदे डाल दी, तीन से ज्यादा घटक अगर मौजूद हैं, अब वो पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो आप पे निर्भर है, आप उसमें कितने कंटेंट, कितने घटक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो बच्चों, हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया था, आज की क्लास मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। बच्चों, आज हम अभी जो प्रश्न लेने जा रहे हैं आपके सामने, प्रश्न है राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बच्चों, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हमने राउल्ट का नियम पढ़ा नहीं है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो यही हमारा आज का प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ आपको राउल्ट के नियम की जानकारी भी हो जाएगी। बच्चों, मैं आपको बता दूं, राउल्ट के नियम के आधार पर जो विलयन है, ये मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना है, राउल्ट के नियम के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के विलयन है। बच्चों, उनमें जो पहला विलयन है उसको हम कहते हैं आदर्श। जो पहला विलयन है बच्चों, वो कहलाता है आदर्श विलयन। इसी श्रेणी का हमारा जो दूसरा विलयन है बच्चों, वो कहलाता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। तो हमने जो प्रश्न लिया है ना, हमने प्रश्न लिया कि राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बच्चों, राउल्ट के नियम के आधार पर दो तरह के विलयन है, दो प्रकार के विलयन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक, अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हमको राउल्ट का नियम पता नहीं होगा, जब तक हम राउल्ट के नियम के संदर्भ में जानकारी नहीं लेंगे, हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन को समझना या उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो हम सबसे पहले राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने राउल्ट का नियम रख रहा हूं, राउल्ट का नियम। बच्चों, राउल्ट के नियम के बारे में आपको सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से समझना है कि जो राउल्ट का नियम है, ये एक संबंध की जानकारी देता है हमको, ठीक है, यानी राउल्ट के नियम के द्वारा हमको एक संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर राउल्ट का नियम हमको एक संबंध की जानकारी देता है, तो प्रश्न उठता है कि वो संबंध किन चीजों के बारे में होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण चीज होती है बच्चों, जिसको हम कहते हैं मोल प्रभाज, और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है वाष्प दाब।
बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हमारा जो राउल्ट का नियम है, बच्चों जो राउल्ट का नियम है वो हमको एक महत्वपूर्ण संबंध की जानकारी देता है और वो संबंध मूल प्रभाज और वाष्पदाब के बीच में होता है। ठीक, यानी वाष्पदाब और मूल प्रभाज के बीच में मात्रात्मक संबंध बताने वाला जो नियम है उस नियम को हम किसके रूप में जानते हैं, उसको हम जानते हैं राउल्ट के नियम के रूप में। ठीक, प्रश्न उठता है बच्चों की वो संबंध क्या है। ठीक, संबंध क्या है तो बहुत अच्छे से समझेंगे और ध्यान देंगे, बहुत संक्षिप्त में बात आपके सामने आ जाएगी। बच्चों राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब उसी विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। बच्चों ये जो समानुपाती शब्द है इसकी जगह में बहुत सारे जो बुक्स हैं, ठीक है, या बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो अनुक्रमानुपाती जैसे शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का जो मीनिंग है लगभग वो सेम है, अनुक्रमानुपाती। तो ये दोनों एक ही अर्थ है। ठीक, तो वापस मैं आपको एक बार स्टेटमेंट जो है बच्चों वो एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपको बताया कि राउल्ट का नियम हमको एक संबंध की जानकारी दे रहा है बच्चों वाष्पदाब के बीच में। प्रश्न उठता है कि वो संबंध क्या है, तो संबंध है बच्चों, ठीक, संबंध है किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब उसी विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहां पर ये जो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती शब्द हैं इसका बहुत साधारण सा एक मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए हमने वाष्पदाब और मूल प्रभाज के बीच में एक मात्रात्मक संबंध देखा है तो उस मात्रात्मक संबंध के आधार पर मैं ये लिख सकता हूं कि जो वाष्पदाब है और जो मूल प्रभाज है इनके बीच में एक मात्रात्मक संबंध अनुक्रमानुपाती के रूप में है। तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के सिंबल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो मीनिंग है साधारण सी वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी विलयन के मूल प्रभाज के मान में वृद्धि की जाती है तो उस वृद्धि के संगत उसी विलयन के वाष्पदाब में भी वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। और अगर मान लीजिए बच्चों विलयन के वाष्पदाब में कमी की जाती है, मूल प्रभाज में कमी की जाती है तो उसी के संगत उसके वाष्पदाब में भी कमी प्रारंभ हो जाएगी। यानी ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर आप वाष्पदाब के मान को बढ़ाओगे तो मूल प्रभाज का मान बढ़ेगा, अगर आप मूल प्रभाज के मान को कम करोगे तो वाष्पदाब का मान भी संगत रूप से कम होना चालू हो जाएगा एक सीमा तक। ठीक, मतलब इसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मात्रात्मक संबंध हमने प्राप्त किया बच्चों राउल्ट के नियम की डेफिनेशन के अनुसार। इस डेफिनेशन को हम एक संक्षिप्त से व्यंजक के रूप में भी कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए इसको अगले पेज में देखते हैं बच्चों। अगर व्यंजक यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे
से ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो व्यंजक हम निकालने जा रहे हैं राउल्ट के नियम का, तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि विलयन में उपस्थित विलायक का जो वाष्पदाब है वो समानुपाती है किसके, उसी विलायक के मोल प्रभाज के। ठीक है बच्चों, यहां पर हम सिर्फ ये मान लेने वाले हैं कि विलयन का जो वाष्पदाब है वो पी ए पी ए है, जबकि मोल प्रभाज को हम एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपके सामने डिटेल ले लूंगा। अब दोनों के बीच में मात्रात्मक संबंध है कि वो समानुपाती है, यानी कि पीए समानुपाती होगा एक्स ए के। बच्चों पीए समानुपाती एक्स ए को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पीए इज इक्वल टू, अब मैं एक नियतांक यहां पर ले रहा हूं के डॉट एक्स ए। बच्चों इस तरह से ये एक छोटा सा जो गणितीय रूप है, ये गणितीय रूप राउल्ट के नियम का व्यंजक कहलाता है, जो कि डेफिनेशन के साथ लिखा जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कम से कम 2 या 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया और लगातार ही पूछा जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अब आगे इससे जुड़ने वाले हैं बच्चों। ठीक, यहां पर बच्चों एक बहुत छोटा सा ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आप देख रहे हो, ठीक है, इनको आपको समय के साथ क्या करते जाना है, इनको मेमोराइज करते जाना है। अलग अलग बुक जो है वो अलग अलग तरह की सिंबल का यूज करती हैं, तो इनसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एट अ टाइम पे अगर आपने कोई सिंबल यूज किया तो वही सिंबल यहां पर माने जाएंगे। बच्चों हम आगे चलेंगे और इस कड़ी में हमारा जो टॉपिक है वो आगे की तरफ चलेगा। बच्चों जैसे कि आपने देखा मैंने आपको राउल्ट का नियम बताया, तो अब यहां पर एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, और वो प्रश्न क्या है उसको देखिए। प्रश्न है बच्चों राउल्ट के नियम एवं शुद्ध राउल्ट के नियम एवं शुद्ध ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने आपके सामने अगला प्रश्न लिया हुआ है राउल्ट के नियम एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में संबंध। ठीक है, अब ये हमारा अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न आपके सामने वापस पूरा लेकर आ रहा हूं। तो बच्चों शुद्ध तो बच्चों ये तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, मैंने आपके सामने प्रश्न लिया हुआ है राउल्ट के नियम एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में संबंध हमको स्थापित करना है। ठीक है बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है,
एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो समझते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का जो एक उत्तर है वो आप किस तरह से देंगे। बच्चों जैसे कि आपने देखा राउल्ट का नियम आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हमने उसको आपको समझाया हुआ है, तो मैं यहां पर इसके प्रॉपर डिवीजन के आधार पर आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जब ये प्रश्न आएगा तो आप यहां पे राउल्ट का नियम जो कि आपने पढ़ा कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक का जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होता है बच्चों किसके, जी हाँ बिल्कुल मोल प्रभाज के, ठीक उसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि जो पीए है वो समानुपाती है एक्स ए के, आपने इसको सॉल्व किया तो पीए आपने एक समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो एक नियतांक आपने ले लिया के डॉट एक्स ए, बच्चों ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर एक। आपको बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों कि अगर मैं शुद्ध जल की बात करूं, ठीक है, और शुद्ध जल को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, क्या करें, गर्म करें शुद्ध जल को, तो बच्चों याद रखना है कि शुद्ध जल जब शुद्ध होगा अर्थात उसमें कोई भी विलेय मौजूद नहीं होगा तो उसका जो वाष्पदाब होगा वो उसके विलयन के वाष्पदाब, यानी कि अब उसमें कुछ मिला देने के बाद भी उसका जो वाष्पदाब होगा वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि बेटा उनका जो मूल प्रभाज है उसका मान सदैव एक होता है। ये दोनों शर्तें हम अपने संबंध एक में रख देंगे बच्चों, समीकरण एक में जैसे ही ये वैल्यू आप रखोगे, है ना, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा पीए। तो यहां पर मैं, ठीक है, पीए को रिप्लेस करके पीए जीरो रखूंगा बराबर के, और एक्सए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो देख सकते हैं आप यहां पर आपको के का एक सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा पीए बराबर पीए नॉट पीए जीरो। ये बच्चों हमारा हो जाएगा संबंध दो। फाइनली हम संबंध एक और दो की तुलना कर देंगे। जब एक और दो की तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं यहां पे के मौजूद और यहां पे के का मान आ गया, तो ये के का मान हम यहां पर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे बच्चों। तो वो सॉल्यूशन मैं अब आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने समीकरण एक में समीकरण दो से के का मान रख दिया बच्चों, ठीक है, के का मान रख दीजिए। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं, पी ए नॉट डॉट एक्स ए, ठीक है। तो बच्चों ये एक फाइनल जो गणितीय रूप आप देख पा रहे हो, ठीक, ये हमारे इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर है, सॉल्यूशन है इसका। हमारा प्रश्न था राउल्ट के नियम एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में हमको संबंध स्थापित करना था, और वो संबंध हमने किस रूप में स्थापित किया। इसको लास्ट में फाइनली केवल एक स्टेटमेंट डेफिनेशन लेनी है बच्चों, तो जल्दी से बता देता हूं, ये कहलाता है विलयन का वाष्पदाब, ये कहलाता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और ये कहलाता है विलयन में उपस्थित विलायक का मूल प्रभाज। तो हम डेफिनेशन देंगे कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलयन का जो कुल वाष्पदाब है वो उसी विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्पदाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के आगे की जो हमारी क्लास है वो हम आपके साथ आगे लेंगे, ठीक है।